तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। वैसे तो मेरे को बहुत सारे दिन हो गए मैं डांग में नहीं जा पाया। धूप ही बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, बहुत ज़्यादा धूप था इसलिए। और तो मेरे को घर पे भी काम था, कहीं मैरिज फंक्शन में जाने का था, खेत में भी बहुत सारा काम था। तो पूरा मैंने खेत में जो खेती का काम था वो हम लोगों ने पूरा कर दिया। और चलो आज एक ऐसा नया वीडियो बनाता हूँ। ऐसा पूर्णा रिवर में आके घर पे रसोई बनता है तब तक कुछ वीडियो बनाते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ पूर्णा रिवर में। तो अभी तो इवनिंग हो गया, शाम हो गई है। शाम के समय पे चलो रिवर के किनारे एक्सप्लोर करते हैं। तो स्वागत तो है हमारे एक नए वीडियो में। तो काफ़ी सारे दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर पे बहुत काम था और थोड़ा खेती में भी काम था और कहीं मैरिज में जाने का था और ऐसा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। वैसे तो डांग के जो पहचानते हैं वो लोग आओ प्रवीण भाई आओ ऐसा कहते थे, लेकिन एक तो गर्मी बहुत सारी लगती थी तो इसीलिए जा नहीं पाया। बताया कि आऊँगा, ऐसा ऐसा टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा, ऐसा कुछ बताया। बहुत सारे लोग कहते थे कि प्रवीण भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहा है भाई, गर्मी इतनी लगती है तो कहाँ बनाऊँ भाई। और मेरा घर पे भी थोड़ा काम है, वो थोड़ा ख़त्म करता हूँ, बाद में बनाऊँगा। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है भाई, इवनिंग में बहुत ज़बरदस्त नज़ारा। तो एक बात ये मेरे को याद आ गई, हाँ जब मैं बचपन में छोटा था ना तब इस पूर्णा रिवर में यहाँ पे आया करता था स्नान करने के लिए मॉर्निंग में, ऐसा इवनिंग में। तो जो कोटवाड़िया आदिवासी वो लोग जो बम्बू वास या ऐसा थोड़ा वास आता है वो ऐसा तारापा जैसा बना के लाते थे, तो मैं उन लोगों को पूछता था कि ये कहाँ से लाते हैं ऐसा। तो कहते थे जंगल में। तो नहीं और नहीं, मैं उन लोगों को पूछता था कि नदी कहाँ से आती है भाई, तो ये लोग मेरे को बताते थे कि सालेर मुलेर ऐसा। तो मैं बचपन में ऐसा विचार करता हो गया, चलो वह सालेर मुलेर किधर होगा भाई, नदी कहाँ से निकलती होगी। तो मेरे मन में ऐसा हैबिट जैसा ही पड़ गया कि सालेर मुलेर वो लोग कहते कि सालेर मुलेर से आती है। तो एक बार मैं सालेर मुलेर गया तो ऐसा सालेर माउंटेन पे जाता था। तो रास्ते में मैंने कुछ लोगों ने पूछा कि सालेर मुलेर जाने का है मेरे को, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई, सालेर मुलेर हाँ सालेर मुलेर जाने का है। तो बाद में मेरे को पता चला कि सालेर अलग है और मुलेर अलग है, यार दोनों माउंटेन अलग अलग है, सालेर और मुलेर का थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है, ऐसा 30-35 किलोमीटर ऐसा दूर में पड़ता है। तब पता चला कि मेरे को यह है सालेर अलग है और मुलेर अलग है, तो पुराना नदी वहाँ से निकलती है, ऐसा है भाई, ऐसा स्टोन में से निकलती है, माउंटेन है। गया था मैं ऐसे तो काफ़ी बार जा चुका मैं सालेर मुलेर, बहुत ज़बरदस्त माउंटेन, वहाँ तो मेला भी लगता है सालेर मुलेर पे मेला लगता है। अब दिवाली के ये कौन सा दशहरा का दिन मेला लगता है लगभग। तो तब पता चला कि सालेर अलग है और मुलेर अलग है। अभी सनसेट भी होने वाला है और मॉर्निंग में भी सनराइज बहुत ज़बरदस्त यहाँ से दिखाई देता है, यहाँ से पूर्व तरफ और पश्चिम में ये डूब जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।